जो समा हमें प्रभु ने दिया है कि हम प्रभु के नाम में इकट्ठा आए और प्रभु का धन्यवाद करते, क्योंकि प्रभु हमारा जमीन आसमान का पिता है और हमारा राजा है और वो सब पे प्रभुता करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु बीते समय का, आज का और आने वाले समय का एक सा प्रभु है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसका कलाम सच्चा और पवित्र है और उसने हमें गलत निर्णय से निकाल कर सही कलाम दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमारे साथ उसने जो सुंदर सुंदर वादे किए हैं। प्रभु का वादा है जहाँ दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं मौजूद होता हूँ, और प्रभु ने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु ने कहा है कि जब भी तुम मुझे दुख वाले पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तो प्रभु का वादा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को मैं, जब भी तुम मुझे प्रार्थनाओं में पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, क्योंकि प्रभु ही हमारा प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका जवाब देता है। तो प्रभु का वादा है कि पूरा टूटा हुआ मन लेके मेरे पास आओ, क्योंकि प्रभु टूटे हुए मन को कभी भी कुछ नहीं जानता। तो प्रभु ने कहा कि विश्वास करने वाले ये सब कुछ हो सकता है। हमारा विश्वास प्रभु तुझ पर है, हम किसी इंसान पे अपना आस उम्मीद और विश्वास नहीं रखते, क्योंकि सिर्फ तुझ पर विश्वास रखते। प्रभु तू दया कृपा कर, क्योंकि तू हमारी मजबूत चट्टान है और लुकने का घर तू ही है। तू ही हमारा उद्धार करता है, तू ही हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर। और खुदा तूने वादा किया है कि मैं जाता हूँ और आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। हे प्रभु तू वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो वादे तू कर देता है उसे पूरा करने की सामर्थ्य भी रखता है। तेरे प्रभु जी हम तेरे पास आते हैं, हम पे दया कृपा कर, जो गलती गुनाह हमसे हुए हैं तेरे वचन के खिलाफ, तेरे सेवकों के खिलाफ, जा खुदावन खुदा सोच में भी हमारे कोई गुनाह हैं सिर्फ तू माफ कर सकता है, क्योंकि गुनाह माफ करने का अधिकार सिर्फ तेरे पास। दया कृपा कर खुदावन खुदा अपने इस खुदा जूम के मीटिंग को खुदा तेरे पवित्र जोरावर हाथों में देते हैं, जो भी तेरे बच्चे खुदा ज्वाइन कर रहे हैं जब खुदावंद तेरे बच्चों ने उन सबको आशीष बरकत दे। इस जूम मीटिंग को खुद तू चलाने वाला परमेश्वर हो, और खुदावंद खुदा जो सिस्टर खुदा रबेका और सिस्टर संगीता जो भी खुदा और सिस्टर ने जो प्रार्थनाएं रखी हैं प्रभु जी तू हमारे से बेहतर जानता है प्रभु, जो भी उनमें कोई प्रॉब्लम है कोई बीमारी की प्रॉब्लम है तू ही दूर करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तू ही शिफा दे सकता है प्रभु। तू दया कृपा कर अपने एक एक बच्चे को खुदा आशीष बरकत दे प्रभु जी, और खुदावंद खुदा हमें सबको अपने आमद के लिए तैयार कर खुदा, खुदावंद खुदा तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे प्रभु यीशु। तू दया कृपा कर, और नेपाल में भी जो प्रॉब्लम है प्रभु जी खुदावंद खुदा तू बेहतर जानता है, और अपने को लोगों को बचाने वाला तू खुद परमेश्वर है खुदावंद खुदा, तू अपने लोगों को साथ हो उनको आशीष बरकत दे प्यारे प्रभु। और खुदावंद खुदा हम आज के लिए खुदावंद तुझसे मांगते हैं इस जूम मीटिंग में खुदा, जो तेरा आज का कलाम हो प्रभु जी और तेरी तरफ से हो, बोलने वाला तू खुद परमेश्वर हो, हम उस वचन को स्टोर करें और बहुत सारा फल लाने वाले हो सकें। आज जो गीत गाए जाएं जूम मीटिंग में खुदा तेरे घर में वो कबूल हो प्रभु जी, और अपने सेवकों को जो तेरे खुदावंद खुदा कलाम को पूरी सच्चाई के साथ दुनिया भर में दे रहे हैं उन अपने सेवकों को तू बहुत सारी आशीष बरकत दे। दया कृपा कर प्रभु जी, और खुदावंद खुदा आने वाले समय में भी प्रभु जी जितने तेरे बच्चे हैं जो तुझ पे भरोसा रखते हैं ईमान रखते हैं तो उनके साथ होना, क्योंकि तेरे कलाम में आया है कि तू अपने ईमानदारों को कभी भी निराश नहीं होने देता। खुदावंद खुदा अपने बच्चों को साथ हो, आशीष बरकत दे उनको, ब्लेस कर खुदावंद खुदा तेरे बच्चों में आत्मिक दान वरदान देखे जाए, और खुदा हम सब तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हो सके, हमारे जीवनों में तू बढ़े और हम घटे प्रभु जी। दया कृपा कर ईमानदारी के साथ खुदावंद खुदा तेरे कलाम के अनुसार
हम जीवन व्यतीत करें। प्रभु जी हमारी कमियां कमजोरियां को दूर करना, दया कृपा करना, रहती बंदगी मिटिंग को प्रभु जी तू खुद चलाने वाला परमेश्वर हो। ये छोटी सी बेनती को प्रभु जी मांगते हैं पूरे जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद आपका भाई राजेंद्र मसीह अच्छी प्रार्थना के लिए। वी थैंक गॉड एंड थैंक आवर ब्रदर राजेंद्र फॉर दिस गुड प्रेयर एंड वट एवर हैज बीन प्रेड फॉर इट इज आवर बिलीव एंड ट्रस्ट दैट गॉड हैज ग्रांटेड इट टू अस एंड वी नीड टू बिलीव इट। वॉट वी प्रे फॉर बाई फेथ वी ऑल्सो बिलीव दैट गॉड हैज ग्रांटेड अस। We may not see the result straight away because God knows the timing to show and reveal the result. Yes, but He will do the result according to His will, according to His choice, according to His timing. God has perfect timing for everything. Our timing is human timing. We can expect, oh, this should happen to me right now. But God knows when it should happen to me. He has the perfect time for everything because God is only perfect. We all are imperfect. So that's why it is very important for us to believe what we pray. And now हमारा जो विश्वास है कि हमारा विश्वास ये है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उनको पूरा करता है, प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु अनसुनी नहीं करता कभी भी, वो सुनता है, बराबर सुनता है, पर उसका एक समय है, प्रार्थना का उत्तर देने का उसका समय है। वो प्रार्थना अपने समय के अनुसार उसका उत्तर और उसका रिजल्ट हम पर प्रकट करता है। अब हम मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ सिस्टर रिप्सिम है जो आर्मेनिया से हैं और वो हमारे सामने एक गीत गाएंगी, मसीह गीत गाएंगी। और सिस्टर रिप्सिम इज गोइंग टू सिंग हिम टू फॉर द प्रेज ऑफ द लॉर्ड। शी इज फ्रॉम आर्मेनिया बट शी नोज मैनी लैंग्वेजेस। So, Sister Ripsim, are you going to sing in English or Hindi? Which language are you going to sing today? Hindi song. Hindi song? Yes. Yes, okay. Over to Sister Ripsim. May God be praised. God bless you, Sister. And may God use your lips and voice for His own praises. So, Sister Ripsim now. ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू ही सदा को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ बेकर। Hallelujah, 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 hallelujah. Karuna se teri naya din dikhata hai, dal bandar meri मुझे बचाता है। जब मैं पुकारू तो दौड़ आता है, जब मैं गिरू मुझे उठाता है। हालेलुया 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 कोई नहीं।
Switch on mic, brother. Yes. Thank you, Lord, for this wonderful song through Sister Ripsim from Armenia. Our sister is always ready with some song in different languages. Her main language is Armenian, but she speaks French, she speaks English, she also sings and speaks a little bit Hindi, but she sings very well in Hindi song. For her dialect, it's very, very clear. Everybody can understand her Hindi. God bless you, sister. And then we will now be moving forward. We have a few more brethren who have joined. Brother Jalan has joined. Jalan Paul has joined from Kathmandu, Nepal. Jai Masi ki, brother Jalan. Aap theek hain? Kaise hain, bhai, aap? Jai Masi ki, brother. Hum sab theek hain, Prabhu ka daya se. Okay, aapke udhar tufaan to nahi aaya na? Kathmandu mein thoda safe hai? नहीं उसका तूफान तो नहीं आया, थोड़ा पानी बारिश, थोड़ा अच्छा बारिश हुआ है। हाँ, बारिश उधर काफी हो रहा है। हाँ, पर चलिए, प्रभु की दया है जो प्रभु अपने लोगों को बचा के रखता है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और अब हम अपनी प्रार्थना सभा में आगे चलते हैं, समय को ध्यान में देते हुए। और आज का जो संदेश है वो हम भाई जसविंदर से सुनेंगे। भाई जसविंदर जो आज का संदेश प्रचार करेंगे वो हिंदी में प्रचार करेंगे। और आई विल ट्रांसलेट फॉर ब्रदर जसविंदर फॉर प्रेजेंटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आई विल बी ट्रांसलेटिंग द प्रीचिंग इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। सो गॉड ब्लेस यू ब्रदर जसविंदर। समबडी इज लॉगिंग इन एज लंदन। सो ये कौन कौन भाई या बहन है, अपना नाम प्लीज बताएं बोलकर। ये आपके बॉक्स में लंदन लिख कर आ रहा है, पर अगर आपको आवाज आ रही है तो आप बताएं कि आप कौन हैं और अपना उसके बाद बात जी बोलें। अभी अभी जी बोलें। हेलो हेलो हेलो, अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो प्लीज आप सुनते रहें और अपना जो माइक्रोफोन है उसे म्यूट कर दें प्लीज। अभी आपका माइक्रोफोन खुला हुआ है तो डिस्टरबेंस आएगी सारी मीटिंग में। प्लीज आप अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर दें, आप अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर दें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आप आपका नाम क्या है। हाँ जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप सुनते रहें, जब मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर लेना, फिर हम बातचीत कर सकते हैं। आप अपना वीडियो भी उसके बाद ऑन कर सकते हैं। सो नाउ वी विल हैंड ओवर दिस प्लेटफॉर्म टू ब्रदर जसविंदर टू हियर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। भाई जसविंदर आज का प्रचार करेंगे प्रभु के वचन से। एंड आई विल बी बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई विल बी ट्रांसलेटिंग फॉर हिम इन इंग्लिश लैंग्वेज। So we can follow in the languages that we understand, Hindi or English. God bless you all. Over to Brother Jasvinder. Amen, amen. सभी भाई बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम करता हूँ। I greet you all, brothers and sisters, in the name of Jesus Christ, our Lord. हम प्रभु के बहुत ही आभारी हैं कि प्रभु ने आज इस शाम हमें इकट्ठे किया। We are very grateful to the Lord that He has allowed us to come together this evening. और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास समय नहीं है प्रभु के लिए इकट्ठे होने का। There are a lot of people, they don't have the opportunity that they can come together for the Lord.
और हालांकि हर इंसान प्रभु परमेश्वर से बहुत सारी उम्मीद रखता है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखता है। Although we have great expectations from God, लेकिन इंसान के पास प्रभु के लिए समय नहीं है। Sometimes we don't have time for God itself. और जब इंसान जरूरत में होता है तो अगर प्रभु भी कह दे कि मेरे पास भी समय नहीं है अब। And think about it while we are in expectation and we are in any kind of needs and if the Lord says, I have no time for you. तो वो हमारा क्या हाल होगा जब हम बड़ी बड़ी मुश्किल मुसीबत में फंसे हों तो? Then what would have happened to us? तो हमें अपने रचयिता के लिए समय निकालना चाहिए। We must have time. We must have time to give for our Creator. हमारे सभी रिश्तेदारों के लिए, हर चीज के लिए हमारे पास समय है। We always have time for our relatives and few other things that we have. लेकिन प्रभु के लिए हमारे पास समय नहीं होता। And we are short of time to give for the Lord. और बाइबल का प्रभु कहता है कि तुम मेरी ओर बढ़ो, मैं तुम्हारी ओर बढ़ूंगा। The God of Bible says that if you move a step towards me, I am always there for you. और तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। If you call upon me, I will definitely reply to you. और ये अगर इस आखिरी समय में, अंत के समय में अगर प्रभु ने इकट्ठा किया है तो ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है। And if the Lord has come us to come together in these last days of this world, end times of this world, that means there is a grace of God upon us. और आखिरी समय में सिर्फ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा चुने हुए लोग ही इकट्ठे होंगे। There are the people who are the elect from God. They will come together by His grace to come together to hear His word. और हम प्रभु की आमद के दिनों में रह रहे हैं। We are living when the time of the coming of the Lord is very near. और इस समय में बहुत सारे लोग प्रभु से दूर हो रहे हैं। There are a lot of people who are departing from the Lord as well. और बिल्कुल छोटा सा झुंड है इस जमीन के ऊपर जो प्रभु के करीब आ रहा है। There is a small number of people, a small group of people who want to come close, who stay close and to come to the Lord. और ये हम जानते हैं कि सारी कायनात जो प्रभु के कंट्रोल में है। He knows the whole creation is in the control of our Lord. और प्रभु का वचन तो यहाँ तक बताता है कि प्रभु ने जिनको चुना, उधार करना है, रैप्चर में लेके जाना है, वो जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु ने चुने हुए हैं। And the Lord, because He is Lord God, He has a foreknowledge about everyone, and He knows who will go with Him when He comes to take His own. और अगर हमें पहले ही जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु ने चुन लिया है। Now, those whom He has known that they will follow Him, He has chosen और वही लोग them before the foundation of the world. और वही लोग ही होंगे जो इस आखिरी समय में संगति करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे और प्रभु के कलाम के पास जाएंगे, इकट्ठे होंगे। They are the people whom God has known by His foreknowledge before they came into this world. They are the ones who will come together and they will hear the word of God. इसलिए वचन कहता है कि ये हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं हुआ, ये प्रभु के अनुग्रह से हुआ है। And this is why the word of God says this is not our good works that we can do, but by grace and mercy of God that we are saved. और आज शाम अगर हम इकट्ठे हुए हैं तो ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है। It is only the grace of God that we have been able to come together even this evening. इसका मतलब ये है कि हमारे नाम जो है वो प्रभु के हाथों पर, हमारी तस्वीर प्रभु के हाथों में, हमारे नाम मेमने की किताब में लिखे हुए हैं। That is the reason in the Lamb's book of life our names have been endorsed. और आइए हम प्रभु के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। Now we are moving forward into the word of God. और हम लुका की अंजील खोलते हैं। Let us open the book of gospel which is according to Luke. और उसका हम 15 अध्याय खोल रहे हैं। We are going to 15th chapter of Luke. और उसकी 4 आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूँ हिंदी में। And I'm going to read few verses here. Which verse you said, brother? From verse 4. Okay, we're going to read
लूक चैप्टर 15 एंड वर्स 4 ऑनवर्ड्स। और चार से लेकर मैं 10 तक पढ़ने जा रहा हूँ। एंड वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम वर्स 4 अंटिल वर्स 10 लूक चैप्टर 15। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक हो जाए तो वह दिया जलाकर घर झाड़ फूक बहाकर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो अपनी सखियों और पड़ोसनों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आमीन। We will read in English. We will follow in English now. Luke chapter 15, verse 4 to 10. What man of you having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep, which was lost. I say to you that likewise, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Or what woman having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying, rejoice with me, for I have found the peace which I lost. Likewise, I say to you, there is joy in the presence of angels of God over one sinner who repents. Amen. प्रभु इस पढ़े हुए कलाम पर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। May the Lord lead us on reading of this holy word by the Holy Spirit. और प्रभु इस पढ़े हुए कलाम के द्वारा हम सभी भाई बहनों को बहुतायत से आशीष दे। May the Lord richly bless us who have heard this holy word. प्रभु के मुख से निकला हुआ हर एक वचन हमारे लिए बहुत ही कीमती है। Every word that is spoken by the mouth of God is very, very precious for us. परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द जो व्यर्थ कभी नहीं होता। There is not a single word that the Lord God utters and it goes void. वो मनुष्य नहीं है जो बेकार की बातें करे। He is not a human being that he will be talking in vain. हम दिन में बहुत सारी बेफजूल की बातें करते हैं हम। We get involved into a lot of vain discussions and vain thoughts during the day. आप उत्पत्ति का पहला अध्याय लें और प्रकाशित वाक्य की आखिरी अध्याय लें, सारा का सारा कलाम। If we read from the Genesis chapter 1 verse 1 and the last verse of the last chapter of book of Revelation, the whole thing is the word of God. आप एक भी बिंदु जो है बाइबल का बिना वजह से नहीं डाला हुआ। Every small point in the Bible is not without a purpose. It has a divine purpose. प्रभु ने कहा है कि कोई भी इस कलाम का एक बिंदु भी बढ़ाए या घटाए।
If anyone does any small addition or subtraction in the word, God says, परमेश्वर का क्रोध उस पर पड़ेगा. The anger of God will fall upon that person. यहाँ प्रभु ने पूरी वर्सेस की बात नहीं कही, एक डॉट की, बिंदु की बात कही हुई है. He is not talking about a chapter or verses. He is just talking a small dot. That means we cannot add or subtract to the word of God. अगर परमेश्वर एक बिंदु को इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, तो वचन को कितनी इज्जत देता होगा? If think about the whole word of God, when he is so particular about making a very small dot-like change in the word of God. इसीलिए कहा गया है कि परमेश्वर जो है कभी ठट्ठे और मजाक में उड़ाया नहीं जाता. That's why it has been said that God cannot be mocked. इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर की मौजूदगी में डरते हुए और कांपते हुए बैठो. That's why we should fearfully and respectfully come to the presence of God. और कुछ लोग परमेश्वर की मौजूदगी में आशीष ले जाते हैं. There are some people when they come to the presence of God, they receive blessings. और कुछ लोग परमेश्वर से सजा ले जाते हैं. And some receive condemnation. संगति में आशीष भी निकलती है और श्राप भी निकलता है. The fellowship can bring blessings as well as condemnation and judgment as well. अगर हम परमेश्वर को इज्जत देंगे, कलाम को इज्जत देंगे, तो आशीष लेके जाएंगे. If we give respect to God and His word, then we receive the blessing. अगर हम इसे हल्के में लेंगे, तो हम प्रभु का क्रोध ले जाएंगे. If we just take it easy and not carefully, then we would come into judgment. क्योंकि ये कोई कागज पे प्रिंट किया हुआ कोई कलाम नहीं है कि कागज पे सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस से छपा हुआ है. This scripture is not only just printed for the sake of printing on a piece of paper. ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है. This is the spoken word of God. और परमेश्वर का वचन जो है हमेशा जीवता वचन है. And the spoken word of God is everlasting and ever living word. यशाया नबी को 55 चैप्टर में परमेश्वर कहता है. In Isaiah chapter 55 God says कि जो भी वचन मेरे मुख से निकलता है वो कभी व्यर्थ वापस नहीं आता. Whatever word is spoken from my mouth, it will never come back void. पर जिस कार्य के लिए भेजा होता है उस कार्य को करके ही आता है. And the purpose for which it was sent, it will accomplish it. सरकारें फेल हो जाती हैं. Governments could fail. बंदूक से निकली हुई गोली भी फेल हो सकती है. The bullet which is released from a gun or fired from a gun can also fail the target. लेकिन परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होता. But the word of God can never miss the target. और परमेश्वर के कलाम से हमने पढ़ा ये प्रभु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ ये दृष्टांत है. And this is a parable which is spoken by Lord himself. और परमेश्वर जो था वो स्वर्ग से उतरा हुआ परमेश्वर है. He is the God that left heavenly places and came down to us. और हमें स्वर्ग का भेद, स्वर्ग का कलाम कैसे पता चला? How did we know the mystery of the heavenly kingdom? क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर जो खुद शरीर लेके हमारे बीच में आ गया. Because the God of heaven himself was manifested in flesh on this earth for us. उसने हमें नियम कानून बताए उस देश के. He told us all the things about heaven. हम जब किसी देश में जाते हैं बाहर, कहीं अमेरिका या इंग्लैंड, If we go to a foreign country, वो देश अपने नियम कानून हमें बताते हैं कि हमारे देश के ये नियम कानून है जो आपको फॉलो करने. We must follow the regulations of that country to where we are going to visit or live. और हमें उन देशों के नियम कानून के मुताबिक रहना पड़ता है. We have to adjust to the regulations of that country. और फिलिपियों में लिखा हुआ है कि जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, विश्वासी भाई बहन. And it is written in the book of Philippians that those who are the believers and followers of Christ.
वो उनका देश जो ये जमीन नहीं है, दिस वर्ल्ड इज नॉट आवर मेन लैंड, उनका जो घर है वो स्वर्ग है, देयर अबोड देयर सिटीजनशिप इज इन हेवन। क्या आपको पता है कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं? डू वी नो, डू वी रियलाइज दैट वी आवर सिटीजनशिप आवर इनहेरिटेंस बिलोंग्स टू हेवन। तो प्रभु ने हमें उस स्वर्ग के नियम कानून जो हमें बताए हैं जाने से पहले, and Lord Jesus Christ before he departed from, before he ascended from into the heaven, he told the rules and he told the information about the heavenly kingdom. अगर हम उस देश स्वर्ग में जाना चाहते हैं, if we go, if we want to transform to the heavenly kingdom, हमें ये नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे, we need to follow those regulations. वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, there is no conflict over there. वहाँ कोई राजनीति नहीं है, there is no politics. वहाँ कोई बीमारी नहीं है, there is no sickness to be found there. वहाँ कोई दुख नहीं है, there is no sorrow there and agony. वहाँ कोई मौत नहीं है, there is no death in heaven. वहाँ आनंद और शांति ही है, there is always peace and merriment and happiness. वहाँ प्रेम ही प्रेम है, there is love, always there is a love. वहाँ कोई जॉब नौकरी नहीं है, कोई बिल नहीं है हमारे देने, we don't need to be paying bills and struggling for our jobs in heaven. वहाँ 24 घंटे सिर्फ एक ही काम है, there is only one thing happening all the times. परमेश्वर का धन्यवाद, we there is praise and thanksgiving to God. और कलाम से हम जानते हैं कि स्वर्ग दूत दिन रात ऊपर क्या करते हैं, और वी नो दैट व्हाट हैपेंस, वो परमेश्वर का धन्यवाद दिन रात करते रहते हैं। ऑल द एंजेलिक किंगडम, ऑल द एंजेलिक बीइंग इन हेवन, दे ऑल प्रेजिंग गॉड डे एंड नाइट। और बड़ी जल्दी हम भी यही करने जा रहे हैं, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दैट सिचुएशन। प्रभु हमें उसकी तैयारी दे रहा है अब वचन के द्वारा। The Lord is making us ready, giving us preparation to go into that situation. जो वहां जाने के इच्छुक हैं, वो अपने आप को सीरियस करेंगे। They, those who are interested to go and migrate to heavenly kingdom, they have to prepare. अगर हमने दुनियावी देश में जाना हो तो कितना कुछ करना पड़ता है, आईलेट्स करना पड़ता है, स्कोर बैंड लेने पड़ते हैं। If we have to go from one country to another country, how much preparation we get involved into? और हमारे जहाँ मैंने देखा है कोई 4 बार एग्जाम दे रहा है, कोई 5 बार दे रहा है। And some people keep on appearing, taking exams one after the other until they succeed. क्यों? Why do we do that? कि एक बेहतर देश में चले जाएं। So that we should get to go to a better place. कि अच्छी लाइफ जिएं हम वहां जाकर। We could have a better life. हमारी जो बच्चे जो हैं वो भी एक अच्छी लाइफ जिएं। Our children, our family could live a better life. लेकिन कलाम के मुताबिक एक दिन वो भी सारा बर्बाद हो जाना है। But all this which is physical and material in this world is going to vanish and be destroyed one day. प्रभु कहता है कि एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट नहीं रहेगी जमीन के ऊपर। And he says there will not be a stone over a stone that will not be unturned. आप ऐसे देश की मगर मत भागे जो एक दिन बर्बाद हो जाएं। Let us not focus completely or wholly and solely for such country which is going to be destroyed and which will not remain one day. आप ऐसे देश की तैयारी करें जो हमेशा हमेशा रहेगा। We need to prepare for such country, to such area, to such place which will never be destroyed and which will be eternal. योना की अंजील और उसकी 14 चैप्टर में प्रभु ने कहा, In the 14th chapter of the Gospel according to John, the Lord said, मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ। He says in the chapter 14th of John that Jesus said that I must go so that I will go and prepare a place for you. एक दिन मैं वापिस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। So that I will come back one day and take you along with me to that place which I prepared for you. ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। So that where I am, you should also be with me. वो मनुष्यों के हाथों का बनाया हुआ घर नहीं है।
This is not the house which is made with human hands. वो लड़ाई वार में नहीं गिरेगा कभी. This would never be trampled and will never crash. वो परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ घर है. It is being done and built by God Himself. लेकिन उसके उस देश में जाने के लिए हमें कुछ नियम कानून जो है फॉलो करने हैं. But to migrate to that country, we need to follow some obedience. We need to be obedient. We need to follow some instructions. उस देश के नियम कानून जो किसी किताब में लिखे हैं. And if those regulations and instructions are written anywhere. उसने बहुत सारी किताबों में नियम कानून नहीं लिखे. He has not given these instructions various different books. उसने एक ही पवित्र किताब में नियम कानून लिखे हैं. He has given only one holy book to us where all his instructions which we need to follow are given. एक ही पवित्र किताब है जो स्वर्ग से उतरी है. There is only one holy book that came down from heaven. और प्रभु का धन्यवाद करते हैं. And we thank God. और वो किताब अब हम सबके हाथों में है इस वक्त. And that is what is in our hands today. प्रभु का धन्यवाद करते हैं. We thank God for this. Amen. सब कुछ प्रभु के अनुग्रह से हो रहा है. And this is all by His grace and by His mercy. हम सब के नाम जो है प्रभु के किताब में मेमने की किताब में लिखे हुए हैं. And if we can realize this, if we can believe that, then we know that we are the people whose names are written in the Lamb's Book of Life. और जिनके नाम प्रभु ने अपनी किताब में लिखे हुए हैं. And the names which have been inscribed in the Lamb's Book of Life. हम देख सकते हैं प्रभु उनके प्रति कितना सीरियस और कितना जिम्मेवार परमेश्वर है. And he, God is very, very obligated and responsible to them people. वो कितना सीरियस है वो प्रभु ने अपने कलाम में बताया. God has already said in His word how much concern He is about those souls. अगर हमारे नाम प्रभु की किताब में लिखे हुए हैं. If our names are endorsed in the Lamb's Book of Life. अगर हमारे में से एक भाई बहन भी अगर उस बाड़े से बाहर निकल गया खुदा के. And if one of us go astray out of those boundaries of that particular area. वो इंसान नहीं है कि कहे कि छोड़ो जाने दो जाता है. Then it is not a human being. He is God. He would not let even one go astray. प्रभु कहता है कि मैं 99 को छोड़कर. He says 99 are with me already. ये नहीं है कि 99 छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम जहां मर्जी भागो 99. No, he doesn't say that he become unconcerned about 99. It is not so. प्रभु का कहने का मतलब कि पहले 99 को पूरे बाड़े में डालकर सुरक्षित. He will safeguard the 99. उस एक भेड़ को खोजने जाऊंगा मैं. Then he will go out and look out and search for the one which went astray, which was lost. प्यारे भाई और बहनों. Dear brothers and sisters. अगर आप वो भेड़ हैं. If you are the sheep, if you are that one. अगर आप प्रभु की काउंटिंग में आते हैं. If we are in the count of God, if we are in the listing of God. मैं आपको वचन से चैलेंज करता हूँ आप भाग के दिखा दें. That you cannot go astray because the Lord will find you. वो दोनों से पकड़ के ले आता है. He will bring you back. आप समुद्र के अंदर घुस जाएं वो निकाल लेगा. You can go under the ocean. आप कहें यार मैं कनाडा जाके छुप जाता हूँ वो वहाँ से another country and hide there. आप कहोगे मैं लंदन चला जाता हूँ कहता मैं यहाँ से पकड़ लूँगा. He says wherever you will go, if you belong to the Lord, if you are in His family, He will find you. अगर आपका नाम 100 में आता है तो. If you are counted within that 100, then you cannot be lost. प्रभु ने यहूदी को में 144,000 चुने हैं. And we know from the book, from our Bible, that God has chosen 144,000 amongst the count of Jews. और देखिए जो प्रभु ने पहले से चुने हुए 144,000 जो बचाने हैं. He knows them before they came into this world. He knew their count, how many they will be and who they will be. अब दुनिया की कौन सी ताकत है जो 143,000 करवा देगी? Nobody can even count 1,000 less or 1,000 more. ना तो कोई 145,000 करवा सकता है.
Either it could be 1,45,000. प्रभु के मुख से निकला 1,44,000. This is spoken by Lord Himself 144,000. एक भी कम नहीं होगा, एक भी बढ़ेगा नहीं. There will one, not one will be reduced or added. 1,44,000 ही उठाए जाएंगे. Will remain the same figure from Jews as He has spoken. इसी तरह अन्य जातियों में भी प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुने हुए हैं. Likewise for us kind of people who have been Gentiles, God has chosen us before the foundation of the world. He knows us. और अगर हमारे नाम उसमें आते हैं. And if we are in His mind, if we are in His conscience, if we are in that count. हम जहां मर्जी भाग ले हम उससे भाग नहीं सकते. He can go into any situation in this world, but we cannot. He will find us. इंसान से हम छुप सकते हैं. We can hide from the man. परमेश्वर से नहीं छुप सकते. But we can. How can we hide from God? दाऊद जी अच्छी तरह जानता था. David knew this very well. वो कहता प्रभु मैं तुझसे भागकर किधर जाऊं? He says, God, where can I run away from you? वो कहता मैं अगर समुद्र की गहराई में चला जाऊं वहां तू मौजूद है. I go to the deep into the sea. वो कहता मैं समुद्र पार चला जाऊं वहां तू मौजूद है. If I go across the seas. अगर मैं ऊपर जितना मर्जी चला जाऊं वहां तू मौजूद है. If I go and fly up in the heavens. परमेश्वर सारी कायनात में मौजूद है. God is the God of universe. उससे भागे मत उसके पास आए. We should not try to run away from him. We should try to come back to him. हमारे पास कोई दो रास्ते नहीं है. We don't have two different ways to come to God. दूसरों लोगों के पास दो रास्ते होंगे लेकिन ईमानदार के पास एक ही रास्ता है. Unbelievers and the rest of the world, they can have many ways, maybe more than one ways, but for the believer, there is only one way. हमारे पास एक ही रास्ता है कि प्रभु के पास वापस आ जाएं. That is the only way. That is Lord. We can come only through Him. विश्वासियों की डिक्शनरी में backfoot, backward जो है शब्द नहीं है. These words like in an English dictionary we say backfoot, backwards. These are not the words to be found in the dictionary of a believer. हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है. We have no chance of going back. हाँ एक रास्ता है आगे बढ़े. There is only one way, keep moving forward. पीछे हटेंगे तो मारे जाएंगे. We will destroy ourselves if we try on back foot. एक तो परमेश्वर से मारे जाएंगे. One is because from the creator, Lord himself. और दूसरा जो लूसीफर हमारा इंतजार कर रहा है. And then the devil is always waiting for us, always on guard for us. जिसको हमने बहुत ललकारा हुआ है. And we have thoroughly challenged the devil by coming to the Lord. पौलुस कहता है वो भूखे भेड़िये की तरह खोजता है. And Paul says that he is like an hungry wolf. He is ready to devour his victims. कब धर्मी को वो फाड़ खाए? So that he can devour the righteous. इसलिए हम जो ईमानदार हैं हम आगे बढ़ना जानते हैं पीछे हटना नहीं जानते. We as believers we want to move forward unto the Lord. पर हमने ये जो आगे बढ़ना है वो अकेले नहीं बढ़ना. And what when we say we have to move forward it is not alone, not by self. प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है. The Lord is with us. He has not left us alone. क्या आपको पता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह की बातें करते हैं प्रभु हमारे साथ होता है. Do we know that Bible says that when we talk about the Lord is present with us. प्रभु जब तीसरे दिन जिंदा हुआ. When he was resurrected on the third day. दो भाई यरूशलम से पैदल निकलकर 7 किलोमीटर दूसरे गांव जा रहे थे. Disciples who were walking away from Jerusalem, about 7 kilometers away from Jerusalem, they were walking 2 disciples. वो दोनों भाई जो थे वो प्रभु की बातें कर रहे थे. And they were talking about Lord Jesus Christ on their way to Damascus. प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लिया. And they knew, although they could not know then, but the Lord was already walking with them. वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह युगो युगो एक सा है. The word of God says the Lord Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. आज भी वही यीशु मसीह है. हालेलुया. He is the same Jesus Christ today. हाँ बातें तो करें उसकी वो हमारे साथ चल पड़ेगा.
The moment we talk about him, moment we meditate, moment we focus about him, he is present with us. प्रभु कहता क्या बातें कर रहे हो भाई? And then he asked those two people, "What are you guys talking about?" वो कहते कि तू अकेला परदेसी है, तुझे नहीं पता एक धर्मी बंदा था जो स्लीपर पर चढ़ाया गया। They were ignorant at that time that this man, the third man walking with them, was Jesus Christ himself. He says, "Are you a stranger in this land? Don't you know what is going on?" जब प्रभु ने उसके उनके साथ वचन के द्वारा बातें करनी शुरू की, but they did not know it until Lord revealed the word and scriptures and started talking scriptures to them. और देखिए वो उसे घर लेके गए, खाना खिलाया. Then they took him to their house, to their shelter, wherever they were going to spend night, and they ate together. They had a meal together. और प्रभु उनके देखते-देखते वहाँ से गायब हो गया. Thereafter, the Lord, having declared to them who he was, then he went away from there. तब उन भाइयों ने कहा. Then those two friends, those two disciples said to each other, कि तुमने नोट किया कि जब वो हमारे साथ था, बातें कर रहा था, तो हमारे मन दिल में कुछ कुछ हुआ. They said to each other, you know, while he was yet walking with us and talking something, then there was something going on in our hearts. Our hearts were, you know, they were shaking. ये है वचन की पावर, ताकत. This is the power of the word of God. मेरी बातों से आपके मन को कुछ नहीं होगा. By human words we cannot be stimulated. अगर आपके मन को कुछ हो रहा है तो ये प्रभु का वचन है. If our hearts are being stimulated, it is the word of God and Lord himself. प्रभु का वचन आज भी जीवित है. He is alive even now. और हमें दूसरी आमद के लिए वो तैयार कर रहा है. This is how he is preparing us by talking to us, being with us, preparing us, stimulating us for his second coming. जब आप बहुत सारे hurted होते हैं सिस्टम से, दुनिया से, हर तरफ से आप hurted हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. When we get hurt by various things and we have a sorrow in our life. सिर्फ एक ही चीज है जो आपको संभालती है उस वक्त, वो प्रभु का वचन है. There is one thing which can reconcile and renew our situation, and that is the word of God. हमारा प्रभु देखो कितना प्यारा प्रभु है. He's such a loving God. दुनिया में कोई भी और ऐसा नहीं है जो इतनी केयर करता हो. There is no one in this world, no human being, no one whatsoever who cares for us like our Lord himself. प्रभु कहता है मैं उस एक भेड़ को भी वापस बाड़े में लेकर आता हूँ. He says, I will bring that one which went astray. I will not leave any stone unturned. I will bring it back. हम जो सभी इस वक्त बंदगी में बैठे हुए हैं, ये हम आसानी से नहीं आए हुए. Now all of us from different places, different areas, different countries, when we are sitting here together, we are not come here by some easy way. हम सभी पहले बहुत भाग लिए हुए हैं. We have run around a lot. प्रभु बुलाता रहा, हमने कहा नहीं नहीं अभी जवान है थोड़ा. Calling us, he's been asking us to come, he's been sending calls for us, but we've been ignoring for quite a long time. हम कहते क्या ये लोग इकट्ठे होके बोर करते हैं, हम भागते रहे. What is this word of God they are talking about, and what is so charming about this thing? प्रभु प्रेम करने वाला, उसने भी कहा कोई बात नहीं मेरे बच्चे भाग ले. Because our God is an ever loving God. लेकिन एक साल लगा, पांच साल लगे, दस साल लगे. It took time, number of years in each one's life. फिर हमें एक दिन समझ आ गया कि हमें प्रभु के पास जाना ही पड़ेगा. But then one day we understood there is no other way. This is the only way coming back to the Lord. जब दुनिया का असली चेहरा हमारे पास निकल कर आया. When we have seen the real face of this world, it is not good. कि ये सब झूठ है जो हम कहते हैं कि इससे आनंद होता है, इससे आनंद मिलता है, ये सब नकलीपन हमारे सामने. We have seen that this is all vanity. We cannot find peace through anything else. प्रभु ने भी हमें पूरा खुला छोड़ दिया कि जा मेरे बच्चे तसल्ली कर लो. God has given us full choice. Go and find peace for yourself. तब जब हम घाट घाट का पानी पी लेते हैं. Then we have run from pillar to post and we came to know, oh, that is not possible. प्रभु कहता है कि हाँ, अब तैयार हुआ ये मेरा बच्चा. He says, now you have tasted everything. प्रभु कहता है, where else can you
टू गो कम बैक टू हिम प्रभु कहता अब इसके पास कान आए हैं आत्मिक सुनने वाले नाउ शी हैज गॉट द इयर्स टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड और देखिए कि ये कोई राजनीति नहीं है कि दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज लाइक अ पॉलिटिकल थॉट और ये देखिए कि प्रभु कहता एक एक बच्चा एक भाई बहन भी जब रिपेंट करता है वापस आ जाता है खुदा के पास वन ब्रदर और वन सिस्टर और वन बिलीवर लेट हिम बी मेल और फीमेल व्हेन दे रिपेंट एंड वांट टू कम बैक टू द लॉर्ड प्रभु कहता है कि वो अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है आओ मेरे साथ आनंद करो एंड द लॉर्ड देन ही सेज दैट ही कलेक्ट्स इवन हिज नेबर्स एंड फ्रेंड्स एंड सेज कम एंड रिजॉइस विद मी क्योंकि मेरी भेड़ खोई हुई मिल गई है बिकॉज द ओनर सेज टू ऑल द अदर पीपल हु आर विद हिम कम एंड रिजॉइस विद मी बिकॉज द वन हु वाज लॉस्ट आई हैव फाउंड इट बैक वो ये नहीं है कि मेरी 100 भेड़े हैं एक गुम भी हो गई कोई फर्क नहीं पड़ता He doesn't say that, oh, I don't care because I still have 99 in my area. प्रभु के स्वर्ग में एक एक प्राण भी कीमती है. He says, even one single soul, when it repents and is saved, is very, very precious in heaven. प्रभु कहता है इतना 99 के विषय में नहीं लेकिन एक मन फिराने वाले के विषय में स्वर्ग में आनंद होता है. There is a great rejoicing in the heaven, in the heavenly kingdom. There is a great rejoicing when one repents and comes back. अब हम जो दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा का कलाम जो सुन रहे हैं अब. Now, whatever we are hearing from the word of God and praying, वो स्वर्ग में celebration हो रही है. There is a celebration in the angelic kingdom in heaven. एक जगह सेलिब्रेशन हो रही है और दूसरी जगह मातम छाया हुआ है there is a problem in the other side of the world. स्वर्ग में सेलिब्रेशन हो रहा है लूसीफर के पास मातम छाया हुआ है लूसीफर इज नॉट रिजॉइसिंग ही इज वेरी सैड वो कहेगा एक रूह मेरी बच्ची उधर निकल गई ही सेज ओह अगेन आई हैव लॉस्ट वन लूसीफर और उसके सारे जो चीले चपाटे मुंह लटकाए बैठे हैं Lucifer and all his followers, you know, they are not very happy about the repenting soul. Or Michael, Mikhail or Jibrail, wo jashan mana rahe hain. But angels like Michael and Gabriel, who are the archangels in the kingdom of God, they are rejoicing. Prabhu ne ye drishtant jo hai, iske saath aur drishtant diya aur continue aage Prabhu continue leke gaya is vachan ko. There are other parables also which God has said, which Jesus said along with these parables which we just now read. 8 आयत में प्रभु ने कहा है कि एक ऐसी स्त्री उसके पास 10 सिक्के हैं. In the 8th verse, he narrates about a woman who had 10 silver coins. पुराने समय में Jewish tradition में क्या होता था? In the Jewish tradition in the old times. और यहूदी बहनों के सर पे ऊपर जो दुपट्टा होता था उस पे 10 कॉइन लगे होते थे there was a kind of a braiding on the wreath or on the top of their forehead and they used to have silver coins over there they used to wear coins और हर कॉइन जो था उसकी अलग से चिन्ह अलग से क्वालिटी होती थी हर कॉइन की अलग अलग एवरी कॉइन वाज आइडेंटिफाइड इंडिपेंडेंटली जिस तरह अगर बहन शादीशुदा है वो उसका सिक्का कॉइन अलग होगा इफ शी इज अ मैरिड वुमन देन इट विल डिस्क्राइब अ डिफरेंट स्टोरी ऑन दैट कॉइन अगर वो करेक्टर की अच्छी है अपने हस्बैंड के प्रति उसका सिक्का अलग होगा एंड इफ इट डिनोट्स हर करेक्टर टुवर्ड्स हर हस्बैंड इट विल शो अ डिफरेंट पिक्चर अगर वो अच्छी माँ है उसका भी सिक्का होगा If she has another attribute of being a good mother, that will also show up. अगर वो अपने माँबाप की अच्छी केयर करती है, उसकी भी क्वालिटी का सिक्का था. And if she, it will be another coin which will show if she is very obedient and good child to the parents. तो हर चीज़ की अलग क्वालिटी का अलग अलग सिक्का होता था. प्रभु ने कहा. Attributes and all the coins were depicting various different attributes. तो अगर वो बहन जो है अपने पति के प्रति ईमानदार नहीं रहती थी एंड इफ शी वाज नॉट लॉयल टू हर हस्बैंड याजक जो था उसकी लॉयल्टी वाला सिक्का जो था वो उतार देता था
then the servant of God or the man of God in those days, he would remove that coin from her forehead. और सोसाइटी में जब भी लोग देखते थे तो समझ आते थे कि ये बहन जो है करैक्टर की ठीक नहीं है. Because of the missing coin there, she was identified that which attribute is missing in this woman. कुछ बहनों के सिक्के इसलिए उतारे हुए थे क्योंकि वो पति के प्रति ईमानदार नहीं रही थी. And some were disloyal to the husbands. पर प्रभु ने इस बहन का केस जो बताया वो दूसरी बहनों से अलग है. But now this is a different type of case that Lord is talking here. इस बहन का एक सिक्का खो गया. She lost one of the coins. She had 10. वो अपने पति के प्रति ईमानदार थी. She was very good woman. She was loyal to her husband. उसका सिक्का याजक ने नहीं उतारा था. No church leader or no temple leader removed her coin. वो वैसे ही उसका घर में काम करते हुए वो करैक्टर वाला सिक्का प्रभु कहता गिर गया. One of the coins out of the 10 coins was lost. She lost it. वो बहन जानती थी उस सिक्के की वैल्यू क्या है. She knew what is the value of that particular coin. और वो जानती थी कि उसका जो पति शहर से बाहर गया हुआ है. And she knew that her husband is out of town. अगर वो वापिस आ गया, सिक्का नहीं मिला. And when he returns, and by the time if she has not found the coin, मेरे पास कोई भी सबूत, कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि मैं उसको साबित कर पाऊँ कि वो गलती से गिराए. And she said she was worried that how will she establish that it is by mistake fallen and lost. How will she establish to her husband? जिस दिन सिक्का गिरा उस दिन उस बहन की किटी पार्टी भी होगी. And she must be having some other programs, social programs. मान लो जी उसने फिल्म देखने जाना होगा या पड़ोसन के पास पार्टी पे जाना होगा. Social evening or visiting neighbors or somewhere. प्रभु ने कहा उसने सारे दूसरे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए. She said the word of God says she canceled all other programs. इसका मतलब कि वो सिक्का उसके लिए बहुत कीमती वैल्यू वाला है. It shows how precious that coin was which was lost. प्रभु ने एग्जांपल दी कि उसने सारा घर छाड़ दिया. And the parable here says that she swept the whole house and she searched everywhere. दुनियावी सोच दुनियावी इंसानों को लगेगा कि एक सिक्के के लिए. And somebody will think, just for the sake of a coin, why so much of hassle? Why she has to work so hard for it? ये तो वो बहन जानती है कि वो सिक्का उसके लिए जीने और मरने वाली बात है. That lady knew that it was a matter of life and death. उसके करैक्टर पर उंगली उठ जानी अगर वो सिक्का नहीं मिला. Because that coin, it denoted, it represented a particular attribute, and that would go missing. वो जीते जी मर जाएगी अगर नहीं मिला सिक्का. She would be almost a dead woman, even though she is living. प्रभु ने कहा है कि जो उसने सिक्का खोजा है वो जी लगाकर खोजा. And she, with all the zealousness and hard work, she found it. She tried to find it. यानी वो सिक्के के लिए उसने पूरा मन पूरी जान लगा दी खोजने में. She put all her mind and all her effort to find that coin. तो वो करैक्टर की बुरी नहीं थी, एक्सीडेंट की इंसिडेंस की वजह से सिक्का गिरा था. Incidentally, that was lost, but she did her best to find it. और उसको सिक्का मिल जाता है. Because she did it so with so much of zealousness and enthusiasm and dedication, she found it. वो उसी वक्त अपनी सखियों फ्रेंड्स को इनविटेशन करती है, इकट्ठा करती है. Goes and rejoices and invites all her colleagues and friends and neighbors. वो कहती है आओ मेरी सहेलियों सेलिब्रेट करें. Come my friends, let us celebrate. मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे मिल गया है. Found my lost coin. अब जब मेरा पति आएगा तो मेरा सिक्का करैक्टर का लगा होगा. Now this will be re-established and reinstated in its place when my master returns. यिर्मयाह उसका 31 अध्याय और 32 आयत में प्रभु ने कहा है. यिर्मयाह 31 चैप्टर एंड 32nd वर्स. प्रभु कहता है कि जो मैं इज़राइल का पति था.
God has declared himself that he is a bridegroom, he is a husband for Israel. Israel was like a woman, like a wife. Israel jo tha wo mere pati prati imandar nahi raha. But Israel was not faithful to me. और उनका वो सिक्का जो था उसकी पत्नी इज़राइल का करैक्टर का गिर गया. Because Israel, as if like that woman, lost one of the coins which was denoting the character of that woman. पर ये जानबूझकर नहीं गिरा हुआ है, ये इन्होंने जो था इज़राइल ने जानकर भी गुनाह पाप किया है. But Israel did not lose it accidentally, they deliberately sinned against God. Israeli jante the ki hamara ek parmeshwar hai, ek pati hai. They knew that we have one husband and we have one God. Hamara dusra pati dusra parmeshwar nahi hai. We don't have any other God whom we can call as our bridegroom. Israeliyon ne jab parmeshwar ko chhodkar baal devton ke aage sir jhukaya, they went and started worshipping the god called Baal. ये सिक्का गिरा नहीं है, ये जानबूझकर इन्होंने गुनाह किया. इनके पास कलाम था पति का. Did not drop out accidentally, but deliberately they sinned against God and lost that coin deliberately. और दूसरा करंथियां 11 की 2 में संत पुलुस कहता है. Second Corinthians chapter 11 and verse 2, Paul says. अब बात आती है मेरी और आपकी. Now it's coming to us, the church, the modern day church. Second Corinthians 11 and 2. दूसरा करंथियां और उसका हम 11 चैप्टर और उसकी 2 आयत में पढ़ने जा रहा हूं. Second Corinthians 11 and 2. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं कि इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी सगाई बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुवारी के समान मसीह को सौंप दूं. The verse 2, it says 2 Corinthians 11 and 2. Paul says, for I am jealous for you with godly jealousy, for I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Amen. तीन आयत पढ़ रहा हूं मैं. Third verse. परंतु मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं. He says, Paul says, he is cautioning them in verse 3. He says, but I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. मत्ती 25 में 10 कुवारियां जो है वो दूल्हे का इंतजार कर रही हैं. We read a parable of 10 virgins in Matthew 25 who are awaiting the bridegrooms to appear, waiting for the bridegrooms to come. पांच समझदार हैं. The five of them are wise. पांच के पास मशाले, तेल. They have oil. They have the lamps. और कुपियां. And plus they have the cup where the oil will be burning. यानी पांच के पास 10 के 10 सिक्के पूरे हैं. The five of them have got all the 10 coins that they're supposed to be in possession of. पांच मूर्ख हैं, उन्होंने मशाले ली पर उन्होंने तेल और कुपियां नहीं ली. The five unwise one or the foolish virgins, they had the oil, they had the lamp, but they did not get a spare oil, spare canisters to keep spare oil for themselves. मूर्खों के पास एक सिक्का नहीं गुम हुआ हुआ है, कई सिक्के गुम हैं. They have lost so many of them because they are not, they are careless. दूल्हा जो है वो गया हुआ है. The Lord, the bridegroom is like Lord who is gone to heaven. He is going to come back. सिक्के मेरे और आपके भी गुम हुए हो गए थे सभी. We also had lost some of our coins one day. मेरा एक नहीं, मेरे 10 सिक्के गुम थे.
And if you ask me, then I think I had lost all my 10 coins. मेरे बहुत सारे परमेश्वर थे. Because where I'm coming from my background, I used to follow so many various gods. एक लाख नहीं, दो लाख नहीं, करोड़ों में थे मेरे पति परमेश्वर. I had millions of gods that I used to follow. और सभी जगह सर झुकाना, पेड़ पौधों पर, जानवरों की सबकी उपासना करनी. And whatever I would see, whether it is animals and trees and plants, I will just worship and bow down in front of everything. Character pura kharab tha. I had a very bad character. जब मैं अपने सिक्के देखे शीशे में तो कोई भी नहीं था सर पे लगा हुआ. When I started looking for my coins, I did not find even one. 10 के 10 ही गुम हैं. All were missing. पर मेरा नाम जो था वो दूल्हे ने चुना हुआ था. But God knew my name before I came into this world. मेरे प्रभु ने अपना कलाम मुझे दिया. Then God gave His word to me. मुझे वचन दिया. Gave me His word. अपना आत्मा दिया. Gave me His Holy Spirit. प्रभु के अनुग्रह से. By His grace. मैं सिक्के ढूंढने लगा. Then I started looking for the coins. जैसे जैसे सिक्का मिलता गया मैं लगाता गया. As I keep on searching and kept on finding it, I kept on reinstating it on me. ये सिक्के हैं क्या? What are these coins? गलातियों की किताब. In the book of Galatians, if we go to book of Galatians. और उसका पांच अध्याय गलातियां 5. Galatians chapter 5. और उसकी 22 आयत में पढ़ने जा रहा हूं मैं. We're going to read Galatians chapter 5 and verse 22. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है. आमीन. We are reading verse 22 and 23, Galatians chapter 5. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Amen. ये सारे सिक्के मेरे गुम थे. I had lost all these coins. I had none of them. कोई भी विश्वास सही नहीं था. I did not, even my faith was not right. शांति नहीं थी. I did not have peace in my life. धीरज नहीं था, बहुत ही गुस्से वाला excited person. I did not have long suffering and self control. कोई कृपा नहीं थी. I was not kind at all. कोई प्रेम नहीं था मेरी जिंदगी में. I had no love in me. सबसे पहला सिक्का जो मैंने ढूंढा, the first one which I found, वो था विश्वास. That was belief. हमारा सारा जो स्टैंड है, हमारा सारी चीजों का, वो विश्वास के ऊपर है. Our everything anchors on faith. सबसे पहले आप अपना विश्वास जो है वो प्रभु के साथ ठीक करें. First of all, our relationship, to maintain a good relationship with our Lord, our faith must be right. सबसे पहला सिक्का जो खोजना है, सबसे पहले नंबर पर, वो है विश्वास. The first one to find is, and to reinstate is faith. अगर विश्वास नहीं है तो बाकी सिक्कों का कोई फायदा नहीं है. We will not proceed further to find anything else unless we have set our faith right. पति पर विश्वास नहीं है और हम कहें मेरे पास आनंद है, धीरज है, ऐसे आनंद धीरज को क्या करना? Oh no, we can't find anything else. Nothing else will satisfy unless we have faith. इब्रानियां 11 में लिखा है. Hebrews chapter 11 it says. अनदेखी चीजों का इकरार करना ही विश्वास है. That the evidence of the things which are unseen, that is faith. परमेश्वर को नहीं देखा लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ है. We have no physical evidence of having seen God, but we believe that God is there. That is faith. थोमा कहता मैं उसकी हाथ में उंगली डालूंगा फिर मानूंगा कि वो है.
Thomas was convicted that he will see those wounds in his palm, in his hand, then only he will believe that he is the same Jesus. थोड़े दिनों बाद प्रभु थोमा के सामने प्रकट हो गया. And after some time, after resurrection, Jesus Christ appeared to his disciples, and Thomas was there. प्रभु कहता थोमा ला अपनी फिंगर और डाल के चेक कर ले भाई. And Jesus knew what is going on in the heart of Thomas, and he is not sure about things. So he said, "Come, Thomas, come, bring your finger and put your finger on the wounds and see if I am he or not." हम ऐसा विश्वास ना करें. He should not be having a faith which is seeing is believing is a faith. No, that is not the right. उसी वक्त प्रभु ने आपके और मेरे विषय में थोमा को बोल दिया. Amen. That was the thing, as if he is talking about many of us who want to see things, then we will believe like Thomas. प्रभु ने कहा कि तूने मुझे देखकर विश्वास किया है. And Jesus told him, "You have seen and you have believed." धन्य होंगे वो लोग, आप और मैं. Blessed are the ones, like for us, we have not seen Jesus Christ physically, but we believe that he is. वो श्रापित नहीं होंगे, वो blessed, वो धन्य होंगे. So such people will be blessed. जो मुझे बिना देखे विश्वास रखेंगे. Those who would, without seeing if they believe, will mean they are more blessed. Amen. क्या आप विश्वास करते हैं? Do we believe? तो आप blessed हैं, आशीषित हैं आप. Then we are, without seeing, when we have believed in Jesus Christ through the scriptures, then we are the blessed people. दुनिया क्या कहती है, हमें कोई मतलब नहीं है. What the world says, we don't care. We are not worried. प्रभु ने कहा उनसे मत डरना जो शरीर का नुकसान कर सकते हैं. Jesus said, "Do not fear them, those who can kill the body." उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है. Fear him, who can destroy both body and soul. प्रभु ने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास रखेंगे बिना देखें वो धन्य है, blessed है. Says those who would, without seeing, those who will believe, they are the blessed lot. और इब्रानियों 11 में लिखा है बिना विश्वास से उसे खुश करना अनहोना है. And it says in the book of Hebrews that it is impossible to please God without faith. जो भी प्रभु के पास आता है उसे विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु है. Those who come to him, they must have this faith that he is. और लिखा है कि प्रभु अपने खोजने वालों को फल देता है. And the Lord rewards abundantly the one who seek him. और यही फल है जो आज नजर आ रहा है. हालेलुया. Or this is the fruit we all can see, because see, without seeing, by faith we are together and we are talking about the same Lord. और उसके बाद बाकी सिक्के फिर आप खोजने शुरू कर दें. And then all other coins will come and get added up to our forehead. जब आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं, when we believe in the Lord, तो आपके पास संयम जरूर होना चाहिए, temperance. We should have self control, we should have long suffering and temperance. आप less temper नहीं होने चाहिए, क्रोधी नहीं होने चाहिए. We should not lose our temper, we should not be given to anger. No, we should have patience. कोई जिंदगी में बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया है, आप धीरज रखें. We should have long suffering, we should have patience, even if we have lost something big in our life. अय्यूब कहता कि प्रभु ने दिया था, प्रभु ले गया, उसका नाम मुबारक हो. How much job lost in his life. He lost everything, but he says he was still happy and in peace. He said, "The Lord gave it, the Lord gave me, and Lord took it." His name be glorified. वो कहता मैं बिना कपड़ों से आया था, बिना कपड़ों से चला जाऊंगा. I came here without anything on me and I will go without anything. ये तो हमने ही सारा मतलब खुद ही ताना बाना बुना हुआ स्ट्रेस का. This, all this network is created by in the world by human being, by most of us. प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है बाहर निकल के आओ. He says, "Come out of them, my people." प्रभु कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो. He says, "Always rejoice in the Lord." किसी बात की चिंता ना करो. Don't worry about things. चिंता करके तुम एक भी बाल को सफेद और काला नहीं कर सकते. You cannot even dye your hair. पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो, दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे पीछे होगी, वो आपको फॉलो करेंगी. You should first seek the kingdom of God and all things will follow you. परंतु आपकी सारी जरूरतें प्रार्थना विनती और निवेदन के द्वारा
प्रभु के सामने रखी जाएं। All your prayers and supplications in all humility to the Lord. उसके बाद इंतजार करें आप। And wait on the Lord. लिखा है कि उचित समय आने पर प्रभु खुद ही आपको बढ़ा देगा। The Lord will provide everything when the appointed time comes. और आपके पास नम्रता का भी कॉइन सिक्का होना चाहिए। We should have humility as well. आपके पास भलाई का सिक्का होना चाहिए। We should have goodness as well. कृपा, धीरज, शांति, आनंद, प्रेम, ये सारे कॉइन आपके पास पूरे हैं। लॉन्ग सफरिंग, काइंडनेस, गुडनेस, ऑल थिंग्स शुड बी विद अस। दीज आर द एट्रीब्यूट्स। अगर किसी भाई बहन का इनमें से कोई सिक्का कम है, इफ ए ब्रदर एंड सिस्टर, एज ब्रदर एंड सिस्टर, वी थिंक दैट वी आर लैकिंग इन एनी वन ऑफ दीज कॉइन्स, आप वो बहन बन जाइए जो प्रभु ने बताई अपने मुख से। We have to become like that woman who earnestly started searching for the lost coin. बाकी सारे काम को छोड़ दीजिए। We should not worry about other things. We should worry about the lost coin. एक बहन कहती, प्रभु मैं किचन में देख लिए तेरे लिए क्या क्या अकेली बना रही हूँ, ये मेरी बहन है, मेरी हेल्प नहीं करा रही, तेरे पाँव के पास बैठी हुई है। You know the scripture that Mary and Martha, one of them was choosing to be with the Lord and sitting at the feet of the Lord and listening to good things and scriptures the Lord is talking, and other one is preparing good food for the Lord in the kitchen. प्रभु कहते हैं कि ओ मेरी बच्ची, तू बहुत बातों की चिंता करती है। He says, why are you worried about food and this dish and that dish and how to do the food and kitchen? प्रभु ने कहा कि जो आज इस बच्ची ने पा लिया है, हालेलुया। Says that this woman, this Mary, she has sought the better part. She is sought the divine part. She is sitting next to the Lord at His feet. प्रभु कहता इससे कभी खोया नहीं जाएगा। Says she will never be lost and she will never be found wanting. और मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं, ना कि तेरा किचन वाला भोजन है। Jesus said, I'm not here to eat the food which you are preparing in the kitchen, but to do the will of him who sent me. वो कहता सारी पृथ्वी मेरी ही है। He says, the whole earth belongs to me. तो आप सारे कार्य को छोड़कर पहले अपने सिक्के ठीक कर लें हम। We should first find our coins and we should be at the feet of Jesus. Where we can find all these things. अभी समय है। This is the time. Time is still at hand while we are in this world. क्योंकि अभी दूल्हा नहीं आया है। And the bridegroom has not yet arrived. और दूल्हे के आने का समय नजदीक हो गया है। The coming of the Lord is so near, so near. अगर सिक्का, उस बहन का सिक्का करेक्टर ठीक था, इंसिडेंस की वजह से वो सिक्का गुम हुआ। But because of some accident or incidents, she lost a coin. मैंने जो बुत प्रस्ती की है, दिन त्योहार पूजा पाठ किया है, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। I had been doing either idolatry and idol worships in my life. I was not knowing, so I did not do it deliberately. I just had been doing it. मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, मुझे बुजुर्गों से मिला ये। I got as an inheritance from my elderly people, from my old people, that this is how I have to worship my God. ये सिक्के जो मेरे गुम हुए थे, मैंने जानबूझ के नहीं गुम किए। But these were not lost. These coins were not lost by deliberation. प्रभु यीशु जानता था कि मेरा बच्चा जो पाप कर रहा है, ये जानबूझ के नहीं कर रहा, इसके पास मेरा कलाम ही नहीं है। God knew before I was born in this world that this person who is going into the idol worship and he is worshipping strange God, he is not knowing about the true God because he has not yet received the true message. और प्रभु ने अनुग्रह किया और मुझे बचा लिया। But Lord gave me grace and one day he spoke to me and he saved me. पर बाइबल कहती है कि जिन लोगों ने वचन को जानकर भी सिक्का गुमा दिया, वचन को जानकर पाप किया, उनके लिए कोई दूसरी कुर्बानी नहीं बची। बाइबल सेज दैट हैविंग रिसीव्ड द वर्ड ऑफ ट्रुथ, इफ दे हैव स्टिल लॉस्ट देयर कैरेक्टर टुवर्ड्स क्राइस्ट, स्टिल अलाउड इट टू ड्रॉप डाउन, देन देयर इज नो फर्दर फॉरगिवनेस ऑफ सिंस अवेलेबल फॉर देम।
और हम सारे कामों को छोड़कर पहले कलाम के मुताबिक अपने आप का अपने आप को सही करें हर सारे करैक्टर से। लेकिन याद रखें हमारा सिक्का कोई भी स्वभाव करैक्टर कलाम के साथ सही नहीं हुआ अगर दूल्हा आ गया। And if we are not fully aligned with the word of God and the bridegroom comes, that means if the Lord comes before that, किसी की गवाही या किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। There will be no recommendation and no approach will work there. प्रभु ने कहा है कि मैं अपने फरिश्तों को भेजूंगा वो दुष्टों को एक तरफ। And Jesus said that I will send my angels. वो गठा बांध कर वो आग में फेंकेंगे। They will gather the evil ones into the fire. धर्मियों को इकट्ठा करके मेरे घर में भेजेंगे। And they will gather the righteous ones and bundle them to go to heaven into eternal life. अगर सिक्का उसके आने से पहले हम कलाम के मुताबिक सभी सिक्के अपनी जगह पर ठीक हुए। If everything is in the right place before the Lord comes. पति को कोई दिक्कत नहीं है फिर पत्नी से। The bridegroom has no problem with the bride. लेकिन अगर जानकर भी हमने सिक्के नहीं खोजे, but if we don't look for them, if we don't search, if we don't make an effort to get them back, और हम बता रहे हैं कि हम बड़े अच्छा खाना बना लेते हैं, हम बड़ी अच्छी सीनियर पोस्ट पे हैं, सिक्का हमारा घुमा हुआ है। Brag about so many worldly things and physical things where we think we are very good, but we have actually lost the precious. Precious characteristic, precious attribute of the coin. हम के हमारे पास ये गाड़ी है, हमारे पास बैंक में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, सिक्के गुम हैं। But if the coins are lost and we have lost every physical thing in the life. पति आ गया, वो कहेगा ठीक है, अब अपने पास ही रख। Then he says, you keep that coin also, whatever you have got, keep it with you. I don't need you at all. और अब प्रभु की आमद से पहले हमें अपने आप को कलाम के मुताबिक बिल्कुल ठीक करना है। We have to put our lives in order before the Lord comes, brethren. और जब प्रभु आएगा हमें और लिखा है जो तैयार थी वो प्रभु के साथ चली गई। And it says in Matthew 25 about the wise virgins because they were ready, so they went with the bridegroom. मूर्ख आके कहती है कि अब हमें भी दे से सिक्का। The foolish ones started asking, started looking for the oil in the last moment when the bridegroom had arrived. But they could not find it. समझदार कहती जाओ जिससे मोल लेती है उससे ले लो बिकता है तो। Now the wise virgin said, we cannot offer a part of our oil to you. Now you go to the market, go to them who buy and sell the oil, because we have got enough for us. We cannot give it to anyone. This is just for us. घर, गाड़ी, कपड़े जो है ये मार्केट से खरीदे जा सकते हैं। All the physical things can be bought from the market. विश्वास कहाँ से खरीदे? We cannot buy the faith. भलाई कहाँ से खरीदे, आनंद कहाँ से खरीदे, शांति कहाँ से खरीदे? We cannot find, we cannot buy and sell those things which we read in Galatians 5:22 and 23. वो लिखा है मूर्ख इसलिए मूर्ख है वो लेने भी चली गई। And then the ones who were qualified as foolish, why? Because they just went to the market and they were missing from there when the bridegroom came. जब वो लेने चली गई समझदार कुवारियां और मूर्ख कुवारियां बीच में जो गैप था। There was a little gap between them going away to the market and the wise ones ready with their oil. लिखा है दूल्हा आ गया। That is the gap when the bridegroom arrived. वो तब नहीं आया जब दोनों इकट्ठी हैं। He did not come when they were wild together. मूर्ख जब लेने चली गई, wise अकेले थे। And the foolish when the foolish went to buy oil and they were missing from the scene. तो प्रभु आया जो तैयार थी उनको लेके चला गया। That is the time Lord suddenly came and he took away the wise one. मूर्ख ने सारी उम्र सिक्के अपने चेक ही नहीं किए। The foolish one never checked the status of the coins. वो प्रभु को कहती दरवाजा खोल दे हमारे लिए। Then they say they're crying and weeping and tapping on the door. Lord, please open for us now. देख हमने तेरे नाम से इतने भूत निकाले लोगों में। That we did so many miracles in your name. इतने लोगों का जो गोड़े नहीं चलते थे वो ठीक किए हमने। We did so many things in the name of Lord Jesus. इतने लोगों का सरदर्द रहता था हमने ठीक किया प्रभु तेरे नाम से। Prayed for somebody's headache and his headache was removed. प्रभु कहेगा मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं तुम कौन हो।
Lord says, you must have done all this in my name, but I have never known you. Depart from me. Character तो तुम्हारा ठीक नहीं था मेरे कलाम के मुताबिक मैंने क्या लेना? You were never according to my word of God. So what should I? What do I have to take from you? ऐसा हमारे साथ ना हो. Let it not be with us. सब कुछ छोड़ के हम अपने आप को चेक करें कलाम के मुताबिक. Let us introspect ourselves according to the word of God. संत पुलुस कहता है अपने आप को जांचो, दूसरों को नहीं, अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं. Examine yourself, don't examine others. ये नहीं है वो भाई क्या कर रहा है, वो बहन क्या कर रही है, खुद का देखे कहीं मैं तो नहीं जमीन पर रह गया. Not that that I am worried about whether he will go or she will go or not. We should worry whether I will go or I will be left here. हम यही बिजी है, वो भाई ने ये किया, बहन ने ये किया, भाई वो तो चले जाएंगे स्वर्ग. Because their judgment is up to the Lord. Why are we busy time? Why are we wasting time in judging others? Let us judge ourselves. और हम खुद यहाँ जमीन पे रह के दूसरों को जांचते रह जाएंगे. And we have been examining and condemning and appreciating and finding faults with others. And God has judged them to be righteous, and God will take them, and we will be left off. पहले हम अपने आप को, अपना उधार, अपनी मुक्ति पक्की करें पहले हम. Bible says, work out your own salvation. तब जाके हम बाहर दूसरों को प्रभु का प्रचार करें. Then only we should preach to others. प्रभु आप सबको इस कलाम के द्वारा बहुत सारी आशीष बरकत दे. The Lord bless you by His word at this time to all of you. और ये जो कलाम है, वचन ही बीज है, सीड है. This word of God is the seed. और मैं विश्वास करता हूँ ये पथरीली जमीन के ऊपर नहीं गिरा है आज. And we are sure that this seed which has been sown from the word of God has not fallen on the stony ground, on the rocky ground. ये अच्छी जमीन पर गिरा है. It has been received on a good ground to receive it, deep into it. आज का वचन आपकी जिंदगियों में 60 गुना नहीं 100 गुना फल लाए. And may the seed of the word of God which your ground has received, your heart has received, may it bring forth manifold fruits in your life. यकूब कहता है कि सुनने वाले धर्मी नहीं है, सुनकर कलाम पर चलने वाले धर्मी है. Not only the hearers of the word of God are righteous, but the doers of the word of God are righteous. प्रभु कहता है कि जो सुनकर वचन पर चलता नहीं, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा. और That means we are trying to give a sort of self-assurance to ourselves, which is fake. प्रभु if we are according to word of God. प्रभु कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तब मेरी आज्ञाओं पर चलोगे. If you love me, then only you will obey my commandments. और प्रकाशित वाक्य 1:3 में. And in Revelation chapter 1:3 it says. धन्य है वो जो सुनता है, पढ़ता है और विश्वास करता है. The blessed is the man who reads and hears these words of life and also obeys and walks on it. क्योंकि लिखा है कि प्रभु का आगमन जो है वो बेहद निकट है. And the coming of the Lord is very, very near, brethren. प्रभु ने कहा है जब तुम ये बातें चिन्ह होते हुए पूरे होते हुए देखो. Lord Jesus said, when you see these things, he said, when you see these things happening in your lifetime. प्रभु कहता अपने सरों को ऊपर उठाना, तुम्हारा छुटकारा बहुत नजदीक है. Then you look up because the time is so near, the coming of the Lord is so near, the time of redemption is just at the door. पौलुस कहता है कुरिन्थियों में कि हमारे दुनियावी घर बार गाड़ियां ये सब गिरा दिए जाने हैं. Paul says that all our material things will be shattered and destroyed and crushed. इनसे इतना भी लगाव ना रखें कि प्रभु के वचन को प्रभु को पीछे रख दे. Although we are living in the world, using them, procuring them in this world for our lives, that is fine. But we should have preeminence and first position to the Lord and His word. पहला स्थान जो अपने जीवन में वो प्रभु को दे. Preeminence is for God and His word. फिर प्रभु कहता है मैं भी तुम्हें पूंछ नहीं, सिर बना के रखूंगा. Then he says, I will not make you a tail, I will make you the head, the first thing. और प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे. The Lord bless you all, brethren. और मुझे भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें लुधियाना की कलीसिया को. In your prayers, brethren.
प्रभु लुधियाना की कलीसिया को बहुत सारी आशीष बरकत दे। May the Lord bless the congregation in Ludhiana and all the other brothers and sisters. और प्रभु भी आप सबको बहुतायत से आशीष बरकत दे। The Lord bless you all abundantly. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। And we ask this in the name of Lord Jesus Christ. और मैं अगला समय भाई इमैनुअल को हैंड ओवर करता हूँ। We will hand over this meeting to Brother Emmanuel. God bless you. Amen. God bless you, Brother Jaswinder, and we thank God for the word that Amen. God provided for all of us. Amen. By the inspiration of the Holy Ghost. Amen. God used brother, God uses the human being, God uses the lips of the human being, but the spirit behind that is the spirit of God. Because when the Spirit of God speaks, then whatever the brother will speak will be aligned with the Word of God, because this will not be the personal opinion, this will not be a personal teaching, this will not be a personal interpretation of the Word of God, but this is just reproduction of the Word of God by the inspiration of the Holy Ghost. हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा उनके उसकी प्रेरणा के द्वारा जो वचन प्रचार किया जाता है वही खालिस वचन होता है, किसी मनुष्य का वचन नहीं होता, उसका अनुवाद नहीं होता, उसकी अपनी धारणा नहीं होती, उसके विचार नहीं होते, बल्कि यह परमेश्वर का मन है जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया जाता है। मे गॉड बी प्रेज्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड नाउ वी विल बी कंक्लूडिंग आवर आवर प्रेयर सर्विस नाउ एंड आवर जूम सर्विस फॉर टूडे, एंड वी थैंक गॉड फॉर ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स who could come, and when we depart from here, whatever we have heard from the word of God, this is the seed we have received by faith, and our heart is the ground, and when we receive this seed, the life is in the seed. So when the seed has gone to the good ground, then it will reproduce the life which it carries, and our lives, our heart is the ground, our man, hamara jo man hai wo zameen hai, aur jo beej hai जिसके अंदर जीवन पाया जाता है वो प्रभु का वचन है। सो व्हेन वी हैव रिसीव्ड द सीड व्हिच इज फुल ऑफ डिवाइन लाइफ, व्हेन वी हैव रिसीव्ड इट बाय फेथ, दिस विल ब्रिंग इन अबंडेंस द फ्रूट इन आवर लाइफ, ये हमारे जीवनों के अंदर ये फल लाएगा, और वो जो फल लाना है ये वही चीजें हैं जिनके बारे में अभी हमने सुना, और जिससे कि हम उस रोड पर उस राह पर आगे बढ़ते चले जाते हैं जो अनंत जीवन में हमको लेकर जाएगा, जिसके जिनके लिए कि दूल्हा आ रहा है, द ब्राइड ग्रूम इज कमिंग फॉर सच who will reproduce the fruit and who will have their lamps burning with the oil and who will continue to have the oil. The oil is represented by the Holy Spirit, and the lamps is our lamps is the light, and lamps in our body is the instrument, and through us the lamp is burning, and but our life, our body cannot produce the light. The Holy Spirit, which is word of God, it comes into us, and then that generates the light in us. And Lord is coming for such people, and then only Lord will take us. So for a good word and for his mercy and grace, we thank God for all these things. And if we remember the brothers and sisters whom we had to remember in prayers, we had prayed for them, and once again we close this service, we will with a word of prayer. And I will request brother Surinder, are you there? Bhai Surinder? Yes, sir. Yep. Bhai Surinder, yes. Bhai Surinder is from Delhi. Bhai Surinder हमारे साथ प्रार्थना करेंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे इन सभी अच्छे वचनों के लिए और इन बहनों के लिए, भाइयों के लिए हमने प्रार्थना करी थी, फिर हम उनके नाम रिमाइंड करते हैं। सिस्टर रोसलीन फ्रॉम लंदन, सिस्टर संगीता और सिस्टर रेबेका फ्रॉम यूपी कासगंज एंड बरेली, और भी अगर कोई भाई या बहन जिनके लिए प्रार्थना की जरूरत है। एक मेरे को प्रेयर रिक्वेस्ट और आई थी, ब्रदर कोई सिस्टर हैं जो पंजाब से, उनके लिए प्रार्थना की रिक्वेस्ट आई थी। लेट मी जस्ट लुक एट दिस। कोई और प्रार्थना की रिक्वेस्ट है तो अगर किसी भाई बहन के साथ है प्रार्थना रिक्वेस्ट तो प्लीज बोल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनको जी ब्रदर मैनुअल जी जेम्स की ब्रदर जी पठानकोट में एक भाई हैं हमारे राजन जी, ओके भाई राजन,
तो उनके लिए भी टेस्ट करनी है। एक तो उनका पेट ठीक नहीं है 2-3 दिनों से, और उनकी मैरिज हुई है, और आफ्टर लाइफ मैरिज के बाद उनका जो जीवन साथी है वो फेथ में नहीं है, तो उनके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि सिस्टर जो अंजू है उनके वो देवर, उनके देवर है वो, जो सिस्टर अंजू जी पठानकोट से है ना, उन्हीं के घर से। भाई ओके ओके का नाम राजन है, का नाम राजन है, उसकी वाइफ का नाम ममता। सुरेंद्र जी, मदर राजन और उनकी वाइफ ममता, हम प्रार्थना में ध्यान रखेंगे, प्रभु उनके जीवन के अंदर वो सुख चैन और विश्वास देवे, और उनको धीरज देवे, और उनको सामर्थ्य देवे। और बाकी जो बहनों के लिए हमने दुआ करनी थी, सो पहले भी करी, हम दोबारा भी करेंगे। प्रभु 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 ने कहा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हालेलुया, आमीन। कंटिन्यूअसली कीप ऑन प्रेइंग, प्रे विदाउट सीजिंग, यू नो, एवरी टाइम लेट द रिजल्ट कम आफ्टर 2 hours और 2 days और 2 months, वी कंटिन्यू टू प्रे बिकॉज लॉर्ड नोज द टाइम, गिव अस द रिजल्ट, आमीन। लॉर्ड इज चेकिंग आर वी प्रेइंग कंटिन्यूअसली, सो वी विल कंक्लूड दिस मीटिंग। हम इस मीटिंग को कार्यान्वित करेंगे भाई सुरेंद्र के साथ, हम प्रार्थना करेंगे। भाई सुरेंद्र, थैंक यू, थैंक यू। आइए हम अपने सुरों को अपने खुदाओं की हुजूरी में झुकाएं, सारे आदर इज्जत और महिमा उसको चढ़ाएं, क्योंकि वो ही इसके काबिल है। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई करते हुए हम तेरे पास आते हैं प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तू हमारे बीच में पाया जाता है प्यारे बाप आसमानी, क्योंकि तूने हमसे वादा किया है प्यारे प्रभु, जहां तेरे बच्चे 2 या 3 भी इकट्ठा होते हैं प्यारे बाप आसमानी, तो अपने बच्चों के बीच में पाया जाता है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्यारे पिता, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, पृथ्वी पर भी प्यारे पिता तेरी इच्छा इन तेरे बच्चों में पूरी हो प्यारे प्रभु। आज प्यारे पिता हमें ये सौभाग्य मिला प्रभु, ताकि तेरे कदमों में हम आ सके प्यारे पिता, अपने सारे आदर इज्जत और महिमा तेरे कदमों में चढ़ा सके प्यारे बाप आसमानी। आज के सुंदर वचन के लिए प्यारे प्रभु, जो तेरी आत्मा के प्रेरणा से हम तक पहुंचा है प्यारे बाप आसमानी, भाई के होठ ढीले प्रभु हमने देखा, लेकिन प्यारे पिता तूने अपना स्वर्गीय कलाम अपने वचन से होते हुए अपने हर एक बच्चे तक पहुंचाया प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, हमने जो तेरे कलाम को सुना है प्रभु, हमें रिसीविंग हृदय मिले प्रभु, और हमारे हृदयों का खतरा हो, हमारे कानों का खतरा हो प्यारे बाप आसमानी, हम सुनने वाले नहीं प्रभु, बस इस पर चलने वाले हो सके प्रभु, इस पर एक्शन लेने वाले हो सके प्यारे बाप आसमानी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। तू अपने बच्चों को डेली मन्ना से खिलाता जाता है प्यारे बाप आसमानी, आज प्रभु किसी बात की कोई घटी नहीं है प्यारे पिता, लेकिन वो रात अंधेरी आने वाली है प्यारे प्रभु, जब ये कलाम ये आत्मा नहीं मिलेगा प्यारे बाप आसमानी, हम निरंतर इसकी खोज में लगे रहेंगे प्यारे पिता, ऐसा तू हमें फजल प्रदान कर प्रभु। तूने आज फजल दिया प्यारे प्रभु, ईश्वर से वचन ओ प्रभु सुनने के लिए प्रभु, समझने के लिए प्यारे पिता, ताकि प्रभु तेरे वचन सुनकर समझकर प्रभु हमें एक बेहतर मसीह बन सके प्यारे पिता, और प्यारे बाप आसमानी तेरी मर्जी को पूरा करने वाले हो सके प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, भाई और उसके परिवार को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। भाई मैनुअल अच्छे ट्रांसलेशन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, भाई को बड़ी आशीष दे प्यारे बाप आसमानी, अपनी आत्मा अपने सामर्थ्य भर दे प्यारे पिता। इतने तेरे बच्चे यहाँ इस जूम चैनल पर उपस्थित थे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तू हर एक के हृदय से बातचीत किया तू प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हमारा है प्रभु तेरी उपस्थिति में आना, तुझे भाने वाला हो सके, तेरी मनसा को पूरी करने वाला हो सके प्यारे पिता, और हमारे लाभ का कारण हो सके प्यारे प्रभु। तू हमारी कंडीशन जानता है प्यारे बाप आसमानी, हम बहुत अच्छे नहीं है प्यारे प्रभु, लेकिन प्यारे बाप आसमानी तू बहुत अच्छा है प्यारे पिता, तो हमारे निवेदनों को सुनता है प्रभु, तो हमारे हृदय की प्रार्थनाओं को सुनता है प्यारे पिता, होठों से निकली हुई प्रार्थनाओं को सुनता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे बाप आसमानी, हम सब बातों में तुझे महिमा देते हैं, सब बातों में तुझे जलाल देते हैं प्यारे पिता, तेरा नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो तूने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए दिया है प्रभु, उस नाम में हम तेरे पास आए हैं प्यारे पिता। हम कमजोर हो सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं प्यारे प्रभु, हम अंधे हो सकते हैं प्यारे बाप आसमानी, लेकिन तेरे कलाम ने हमें ज्योति दी है प्रभु, तेरे कलाम ने हमारी आंखों को खोला है प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी। हम विशेष निवेदन करते हैं प्यारे प्रभु, जो जितनी प्रार्थनाएं की गई है प्यारे पिता, उन प्रार्थनाओं को तू ग्रांट कर ले प्यारे प्रभु, वो तेरे कदमों में चढ़ाई गई प्रभु, उनके
हाँ और आमीन के साथ हम सब शामिल है प्यारे बाप आसमानी। तो एक बार फिर निवेदन करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, बहन रोजरीन के लिए जो लंदन से हैं प्यारे पिता, और जो भाई राजन पठानकोट से हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और उनकी फैमिली के लिए निवेदन करते हैं प्यारे बाप आसमानी। जो भी परेशानी है दुख है प्रभु तू जानता है प्यारे पिता, क्योंकि तू हृदयों का परखने वाला, हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है प्रभु। हमारा हम एक दूसरे से बहुत दूरी में हो सकते हैं, लेकिन प्यारे पिता तेरी उपस्थिति तेरी बहुत नजदीक में है प्यारे पिता। पापा आसमानी बहन संगीता के लिए, बहन रिबेका लिख के लिए प्रभु, और जो भी भाई बहन प्रभु जरूरतमंद है प्यारे पिता, उन सबों को तेरे कदमों में लेकर आता हूँ प्यारे बाप आसमानी। और जो भाई प्रभु बोल भी नहीं पाए प्यारे पिता, जो भाई बहन बोल भी नहीं पाए प्रभु, उन सबों को भी तेरे चरणों में लेकर आता हूँ प्यारे पिता, क्योंकि तू हृदयों को जानने वाला परमेश्वर है प्यारे पिता। हम मुंह से कहने में असमर्थ हो सकते हैं, लेकिन प्यारे पिता हमारे हृदयों की वाणी को तू सुनता है प्यारे प्रभु ईश्वर से, हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाले हर विचार को तू जानता है प्यारे मेहरबान पिता। आज हमारा इकट्ठा होना प्रभु ईश्वर से तेरा महिमा का कारण हो सके प्यारे प्रभु। आज तूने स्वर्गीय रोटी से हमें तृप्त किया, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। प्यारे पिता जितने तेरे बच्चे इस चैनल पर इकट्ठा है, हर एक को नाम बनाम बड़ी आशीष दे, हर एक के परिवार को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी जो तेरे कदमों में आए हैं प्यारे प्रभु ईश्वर से, प्रभु यीशु मसीह तू हमें बढ़ा रहा प्रभु। एक दिन में ये सब बातें कुछ नहीं हो सकती, लेकिन प्यारे बाप आसमानी तू हमें हर सांस देता, दिन ब दिन हमें सांस देता जा रहा प्रभु, ताकि हम अपने आप को सुधार सके प्रभु, अपने उन सिक्कों को सर्च कर सके प्यारे प्रभु, क्या हम सिक्के हमारे पास हैं या नहीं है प्यारे बाप आसमानी। हम इस बात को सर्च करने का तूने हमें मौका दिया है प्रभु, ये अभी समय है प्यारे पिता, ये उद्धार का समय है प्यारे बाप आसमानी। तू अभी हमारे लिए वकालत कर रहा है प्यारे पिता, इससे पहले के देर हो जाए प्रभु तू जज बन जाए प्यारे पिता, इससे पहले के हम दंड के भागीदार हो जाए प्रभु, तू हमारे को मौका दे रहा प्रभु, हमें पश्चाताप करने का तू फजल प्रदान कर प्रभु, हमें वो आत्मा की कंट्रोल दे प्रभु ईश्वरी, ताकि हम अपनी कुपियों को झांक सके प्रभु, अपनी कुपियों में देख सके कि हमारी कुपियों में तेल है कि नहीं प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी हम जानते हैं प्रभु संसार में प्रभु हमारी कुपियां खाली है प्यारे बाप आसमानी, हम तेरे कदमों में आते प्यारे पिता तुझसे निवेदन करते हैं, तू उस तेल से उस पवित्रात्मा के तेल से प्रभु हमारी कुपियों को भर दे प्यारे पिता। प्यारे पिता इससे पहले के अंधेरी रात आए प्रभु, प्यारे प्रभु यीशु हमारी बत्तियों को ट्रेन करते प्यारे बाप आसमानी, ताकि दूल्हे के आने के समय प्रभु हम तैयार पाए प्यारे बाप आसमानी, तेरा रहम हम पर बना रहे प्यारे पिता। तू चाहता है हम में से एक भी नाश ना हो प्रभु, तू प्यारे पिता जो तेरे रिस्टोर बच्चे हैं प्रभु उनको छोड़कर प्रभु तू उसके पीछे लग जाता है प्यारे बाप आसमानी, जो तेरे खून खरीदे हैं प्रभु उनमें से एक भी नाश ना होने पाए प्यारे पिता। आज तूने कलाम के द्वारा हमें यही समझाया प्रभु के मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ, समय रहते हुए मेरे पास आ जाओ प्यारे पिता। तूने हमारा हाथ पकड़ा है प्रभु, तेरा साथ हम तक कभी छोड़ने ना पाए प्यारे प्रभु ईश्वरी, इस पूरी जमात को प्रभु ईश्वरी तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्यारे प्रभु ईश्वरी, दुष्ट इसको छूने भी ना पाए प्यारे बाप आसमानी। और प्यारे बाप आसमानी आज हमारा इकट्ठा होना तेरी महिमा का कारण हो सके प्यारे पिता, और हमारी उन्नति का कारण हो सके प्रभु, ताकि एक कदम और प्रभु हम तेरी और अग्रसर हो सके, और स्वर्ग के निकट प्रभु स्वर्ग के लिए तैयार हो सके प्यारे पिता, क्योंकि तू बहुत जल्दी आने वाला है प्रभु। वो कोई आखिरी रात होगी, वो कोई आखिरी दिन होगा प्यारे पिता, वो हमारी कोई आखिरी मीटिंग होगी प्रभु, लेकिन तू आ जाएगा प्यारे पिता। हो सकता है प्यारे प्रभु ये आखिरी मीटिंग हो प्यारे प्रभु, तू बेहतर जानता है प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी अपने हर एक बच्चे को अपनी सामर्थ से भर दे प्रभु, हमें आत्मा के नौ फल दे प्रभु, जो सिक्के तूने हमारे लिए आज ठहराए हैं प्रभु वो हमारे में प्रभु पूरी भरपूरी से हमारे अंदर पाए जाए प्रभु ईश्वरी, क्योंकि तू प्रभु इब्रानियों 13:8 के अनुसार आज एक पल युगानी विकसा है प्रभु, उस समय में प्यारे प्रभु तू उन सिक्कों की डिमांड करता था, तू आज हम तो ये डिमांड करता है प्यारे प्रभु ईश्वरी के मसीहत के वो सारे गुण, वो प्रेम आनंद कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम हमें मजबूती से भरे पाए जाए प्यारे प्रभु। हम पैसा हर कोई भी सिक्का प्रभु हमसे चुनने ना पाए प्रभु, यदि किसी भाई बहन का कोई कमजोरी पाई जाती प्रभु ईश्वरी, यदि शैतान ने उसको बांधनों में बांधा हुआ है प्रभु तेरे नाम से वो काट डाला जाए प्रभु ईश्वरी, तो अपने नाम से उसे आजाद कर प्यारे पिता, ताकि वो प्यारे प्रभु ईश्वरी स्ट्रेंथन होकर चेत कर प्रभु ईश्वरी तेरे नाम को बढ़ाई और हम तो सिताइश कर सके प्यारे बाप आसमानी। प्यारे बाप आसमानी एक बार फिर पूरी जमात को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, वचन के प्रभु प्रसारण के लिए प्यारे पिता तेरा हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु। आज तूने हम सब बातें की प्रभु, तू आज हमारे बीच उतर कर आ गया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी। इस पूरी मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरा अनुग्रह तेरी दया और करुणा और पवित्रात्मा की सहभागिता मांगते हुए पिताजी छोटी सी विनती अपने निज उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे जल नाम में। आमीन।
आमीन। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। भाई स्विच ऑन माइक, स्विच ऑन माइक। धन्यवाद हो अच्छी प्रार्थना के लिए भाई सुरेंद्र, आपका बहुत, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू एंड वी थैंक गॉड फॉर द होल प्रोग्राम, फॉर द होल मीटिंग, फॉर गिविंग हिज वर्ड, फॉर अस टू बी एनेबल टू हियर हिज वर्ड एंड बिलीव द वर्ड एंड लेट अस प्रैक्टिस एंड यूज दिस वर्ड एंड एक्सपीरियंस दिस वर्ड इन आवर डेली लाइफ सो दैट वी आर एन रूट टू द हेवनली हेवनली वे which is the word of God, which is Jesus himself, so that we all can find our place, our citizenship into heaven. Prabhu ka bahut dhanyawad ho, aur ab hum aapke karan maaf karte hain bhai, aur ab hum apne microphone ko on kar sakte hain, ek dusre ko greet kar sakte hain, so that aur phir agle prabhu ne chaha to hamari meeting isi prakar se hogi. We will again have We will again meet on the same time next Sunday, God willing, and this is the time we can greet each other. God bless you all, brothers and sisters. Amen. God bless you, brother. Thank you. Jai Masih, brother ji, Jai Masih.